26 August 2020, Class 10, Subject Maths, Topic, Some Applications of Trigonometry, Chapter 9, Exercise 9.1, Question number 1, Date 26th August 2020, Class 10, Subject Maths, Topic, Some Applications of Trigonometry, Chapter 9, Exercise 9.1, Question number 1, Date 26th August 2020, Class 10, Subject Maths, Topic, Some Applications of Trigonometry, Chapter 9, Exercise 9.1, Question number 1. Next day आपको इसके introduction बताए गए थे. अब आपको chapter 9.9 के exercise 9.1 के कुछ sum आपको बताया जाएगा. उस sum को आप देखोगे. नाइन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर वन. ए सर्कस आर्टिस्ट है. ए सर्कस आर्टिस्ट इज कंबाइनिंग ए 20 मीटर एंड लॉन्ग रोप, क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप. वो 20 मीटर एक लंबा रस्सी है, उस पर वो चढ़ रहा है. विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, जिसको एक है वर्टिकल पोल है उसके ऊपर इसको अच्छी तरह से टाइट करके टाई करा गया है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बतानी है. विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ है, पोल की हाइट क्या होगी. इनमें फिगर एक भी है, गिवन है. सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये जो रोप है ये 20 मीटर है, 20 मीटर रोप लेंथ है. ये 90 डिग्री का एंगल है इसमें. और ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का एंगल हो. हमें बताना है हाइट ऑफ दी पोल. हमारे पास एच गिवन है, हमें पी फाइंड करना है. इन राइट ट्रायंगल एबीसी सॉल्यूशन में आप लिखोगे एबीसी इन राइट ट्रायंगल एबीसी एबी बाई एसी इक्वल टू साइन, एबी बाई एसी इक्वल टू साइन 30 डिग्री. अब हमें एसी की वैल्यू बताई निकालनी है, तो इस वजह से लिखेंगे एबी बाई 20 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2. टू ए बी इक्वल टू 20, ए बी इक्वल टू 20/2
therefore AB equal to 10 meter. 10 meter. Height of the pole is? Height of the pole is. Therefore, हाइट ऑफ द पोल जो हो गया हमारा 10 मीटर. अब क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे. क्वेश्चन नंबर टू है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म. एक ट्री है, आधी में वे टूट जाते हैं ट्री, एंड द ब्रोकन पार्ट है बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज ग्राउंड. मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री भी थी. वही तरह टूट जाता है वो, टूट का पेड़ से रही हुआ वह ग्राउंड के साथ टच करता है वो 30 डिग्री के एंगल बनाते हुए. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर. जहाँ से उसका टच कर रहा है ट्री के रूट वाले पार्ट से लेकर है वहाँ तक है, जहाँ पे टच कर रहा है पार्ट वहाँ तक बीच का जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. ट्री की हाइट बतानी है. पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे. A, B, C. ये 30 डिग्री का एंगल है यहाँ पे. इन राइट ट्रायंगल एबीसी AC equal to AD. ये सब कुछ सुपरस्टिट हो गए गिवन है. एंड राइट एंगल ABC सेम इसे भी गिवन है. राइट एंगल ABC AB by BC equal to 10-30. Degree
एन थर्टी होता है वन बाई रूट थ्री, एट बाय रूट थ्री ये फर्स्ट आ गया हमारा, फर्स्ट है। अब दूसरा लिखेंगे अगेन, सेकेंड 30 डिग्री एसी हमें बता रही हूँ, बीसी एट है, सेकेंड 30 होता है टू बाई रूट थ्री, एसी इक्वल टू टू इंटू एट बाई रूट थ्री, सिक्सटीन बाई रूट थ्री सेकेंड नंबर हो गया क्या, 16 बाय रूट थ्री सेकेंड नंबर। हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू थ्री बाई रूट थ्री, 24 और 3 बाई थ्री, थ्री से इसे काट देंगे, एट रूट थ्री मीटर ये आ जाएगा हमारा, 8√3 मीटर। दरअसल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू ये हो गया हाइट ऑफ द ट्री। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर है थ्री की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल ए टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन
to play in a park. Which children ke liye? Wo do slide banate hain. To play in a park and for the children below the age of 15 years, 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. जो 5 साल से छोटे हैं उनके height slide की होनी चाहिए 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree angle to the ground. For adult children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. 3 meter height की होनी चाहिए, angle 60 degree का ground से. What should be the length of the slide in each case? हर एक केस में length of the slide क्या होगी? एक diagram से भी आप बना सकते हो. Question number 3 आप देखो. पहले हम इसका diagram बनाएंगे. इस तरह बनाना चाहते हैं. ये स्लाइड ये छोटे बच्चों के लिए है, अभी बड़े बच्चों के लिए. एक ये छोटे बच्चों के लिए है, दूसरा बड़े बच्चों के लिए है. छोटे बच्चों में बिलो 5 इयर्स, इधर वाला छोटे के लिए, इधर वाला बड़े बच्चों के लिए. एक की हाइट है 3 मीटर बड़ों के लिए और छोटे के लिए है 1.5 मीटर. अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे. इन राइट ट्रायंगल BDE by BD equal to cosec 30 degree. cosec 30 degree
कोसेक 30 डिग्री है, कोसेक 30 डिग्री, बीडी दिया हुआ 1.5, कोसेक 30 होता है 2, बी इक्वल टू 3 meters. And in right triangle ABC, right triangle ABC, AC by AB equal to cos 60. Length of slides are meter. Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. Top of a tower say angle of elevation hai. Ground mein, which is 30 meter away from the foot of the tower. Tower ke foot se 30 meter dur hai. 30 degree. Find the height of the tower. पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे. पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे.
ये है, लिखना क्या है इसमें, ब्रैकेट 3 और पाई। Hence the height of the tower is 10√3 meters। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर ये 4th पार्ट, ये आप 1 से 4 तक आप कंप्लीट करोगे, इस तरह ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप कंप्लीट कर लेंगे 1 से लेकर 4 नंबर तक है। इस तरह एक्सरसाइज 9.1 के
क्वेश्चन नंबर है, वन से लेकर फोर तक है, आप कंप्लीट कर लेना, कोई भी रहना नहीं चाहिए, ये पूरा हो जाना चाहिए। वन से लेकर फोर तक है, एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, अगर एक भी क्वेश्चन रह गया तो फिर आपका काम रुक जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे, चैप्टर नाइन के क्वेश्चन नंबर है, वन से लेकर फोर तक है, कंप्लीट करना है अपने कॉपी में। और अब जो आपके पेपर आएंगे उनमें ये होगा, ये 9.1 कंप्लीट करते ही फिर आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ये हम रिवीजन करेंगे आपका, ठीक है? तो ये कंप्लीट कर देना।